राजापुर से ग्राम प्रधान प्रत्याशी गोविंद सिंह यादव इन दिनों जनसंपर्क में लगे हुए हैं। उनके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए राहुल उपाध्याय के साथ उनकी खास मुलाकात। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह यादव है। गोविंद सिंह यादव कहाँ से लड़ रहे हैं आप? राजापुर पंचायत से, प्रधान के लिए। हाँ तो आप प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र में पानी की समस्या आप कैसे दूर करेंगे? ये हैंडपंप लगे हैं, इनमें पानी ज़्यादा है, उसमें सबमर्सिबल डरवा के और कुछ टंकियाँ बनाई जाएंगी छोटी छोटी, इसलिए उनको ये कार्य करा जाएगा पहले। फिर ये पाइपलाइन चेक का काम चल रहा है जो उससे हो जाएगा बाद में। क्षेत्र में स्कूल अच्छे नहीं है, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए आप किस प्रकार से करेंगे शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए जैसे उसको मतलब ये कुछ लोगों की उसकी टीम बनाई जाएगी जो उनको देख रेख करेगी, अगर कोई मास्टर नहीं आता है तो उसकी शिकायत की जाएगी। और चिकित्सा वगैरह के लिए हमारे यहाँ अस्पताल भी है राजापुर में, तो उसमें सब व्यवस्था भी है, ऐसा नहीं है, और जो भी कमी होगी उसको किया जाएगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप सबसे पहले क्षेत्र में क्या ऐसा काम करेंगे? सबसे पहला मुद्दा हमारे यहाँ का रहेगा गायों का, आवारा जानवर है वो सबसे पहले यहाँ से गौशाला ले जाएगा, क्योंकि किसानों की फसल से मतलब किसान घर में सोते ही नहीं है, पूरा रात दिन परेशान खेतों में है, तो उनका सबसे पहले इंतजाम उनका किया जाएगा और पानी की समस्या दूर की जाएगी। और इसके बाद यहाँ अम्बेडकर पार्क बनाऊंगा, तो अम्बेडकर जी की मैं यहाँ पार्क बना के उनकी स्थापना करूँगा।